पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ। वो ये पीछे मल्टीप्लाई मार देगा, जबकि महाराज बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बहुत ही अलग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी देना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता यह है कि हम अपनी पढ़ाई में, अपने स्टडीज़ में, अपने पेपर्स में और इन सब चीज़ों में इतना बिजी होते हैं कि हम कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि स्पोकन इंग्लिश भी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। मतलब अगर करियर करना है, कहीं पर आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो ये बात समझ लीजिए कि बिना स्पोकन इंग्लिश के कुछ नहीं किया जा सकता। स्पोकन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों हमें सीखना चाहिए, कुछ चार पांच पॉइंट्स तो मैंने निकाले हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि इनके साथ साथ इसका फ़ायदा आपको हर फील्ड में होगा। सबसे पहली बात तो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, तो स्टडीज़ में अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हो, इसका मतलब आप अच्छे से इंग्लिश लिख पाओगे। तो जो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उन बड़े बड़े आंसर्स को आप जो है अपने खुद की भाषा में, खुद के शब्दों में लिख सकते हो, तो उससे आपको बड़े आंसर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। होता क्या है, हम बड़े बड़े आंसर्स को रटते हैं, बड़े बड़े आंसर्स को हम ध्यान रखने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं, लेकिन अगर खुद की भाषा होगी तो आप उसे बहुत अच्छे से अपने विचारों को शब्दों में प्रकट कर पाओगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप कर पाओगे, आपकी खुद की स्टाइल में लिख पाओगे, और जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और रही बात आगे की, फ्यूचर की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर दो लोग जॉब के लिए जाते हैं, दोनों को ऑलमोस्ट सेम परसेंट है, 4-5% इधर उधर है, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसको इंग्लिश आती है, एक को नहीं आती है, तो डेफिनेटली जॉब उसी को मिलेगा जो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है। तो ये आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो बिना इंग्लिश के मेरी भी ग्रोथ नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था हिंदी मीडियम में, मैंने तो अपना पूरा एजुकेशन हिंदी मीडियम में किया है, 10th भी हिंदी मीडियम में किया है, 12th भी हिंदी मीडियम में किया है, BSc, MSc, BEd सब कुछ मैंने हिंदी मीडियम में किया है। बट द वे आई गॉट सक्सेस, ये शुरुआत तो इंग्लिश से ही हुई ना, क्योंकि अगर इंग्लिश में मैं पढ़ाता नहीं, इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाता नहीं, वो अलग बात है कि पढ़ाता तो मैं हिंदी में हूँ, लेकिन कंटेंट तो इंग्लिश में है ना, तो चीज़ें ही बहुत समझने वाली है। और इसीलिए मैंने अपना एक इंग्लिश का चैनल भी शुरू करके रखा है, BW Scholar। बहुत जल्दी मैं बच्चों के लिए वहाँ पर भी कुछ कंटेंट डालूंगा। तो इस चीज़ को समझ लो कि आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो इंग्लिश उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो अच्छा, आपको अगर लगता है कि मैं इंग्लिश के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। हालांकि पीछे मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे स्पोकन इंग्लिश के, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया उस सीरीज़ को। उस समय मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हुआ करता था, इस कारण से मैं उस सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समय रहते आप अभी से सीख जाओ। अगर आप 8th में हो तो बहुत अच्छी बात है, 9th में हो तो भी बहुत अच्छी बात है, 10th में हो तो भी बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी क्लास में हो, 11th 12th में कहीं भी हो, 1 घंटा स्पोकन इंग्लिश को हम दे सकते हैं हर दिन, और उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। आपको लगता है कि सर आप शुरू करिए सीरीज़, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट होता है, देखो एक बंदे को कितनी स्किल्स आती है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको एक स्किल्ड पर्सन अगर आप हो, आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आती हैं, तो आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनालिटी का एक अलग ही अंदाज होगा। जब आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे तो आप देखो कि आपको किस तरह से पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। देखो क्या होता है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हो, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता, समझ लो ना। लाइक आपको कहीं पर इंफॉर्मेशन निकालनी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, आप इंटरनेट पर जाओगे, फटाफट पढ़ोगे उसको, फटाफट समझोगे और उसको अपनी भाषा में लिख लोगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। तो बहुत कुछ ऐसा है जो स्पोकन इंग्लिश की मदद से किया जा सकता है, और इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप अपने नॉलेज को जो है बढ़ा पाओगे, ज्ञान को बढ़ा पाओगे, और सबसे सीधी सीधी बात, ओवरऑल तो ये आपका बेनिफिट ही होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है स्पोकन इंग्लिश पर आप काम शुरू कर दो अभी से, नहीं आपने पहले से नहीं किया है तो बहुत अभी समय है, अभी शुरू कर दो। और आपको जो भी इस फील्ड में लगता है मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी दुविधा क्या है, आप क्या चाहते हो, या कैसे हम आपको करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं कुछ कर सका आपके लिए तो ज़रूर सोचूंगा इस बारे में। हालांकि आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, आई टीच मैथमेटिक्स, बट स्टिल अगर आप लोग फोर्स करते हो तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ।
ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं मैं कि देखो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे सीखो, आपको लगता है कि भैया मैं मतलब सर मैं तो सीख लूँगा, तो बहुत सारे यूट्यूब के चैनल से जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, आप जाके सीखो उनसे, जिससे आपका ग्रोथ हो जाएगा, है ना, और उससे आपका फ़ायदा ही होगा। आप देखिए कि आपको क्या बेटर लग रहा है और वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपना लर्निंग। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे साथ ही करना है, मैं तो मतलब सिर्फ पूछ रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपके घर में कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला है तो उनसे सीख लीजिए, कोई भैया दीदी आपके आस पड़ोस में रहते हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं उनसे सीख लीजिए। भैया वो जो रणछोड़ दास चांचर जो बोलता है ना, ज्ञान चारों तरफ बट रहा है, जहाँ से लेना है वहाँ से ले लो, तो बिल्कुल ले लो यार, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बता दो कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।